दोस्तों, कैसे आप सब। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कैट एंट्रेंस एग्जाम 2020 के ऊपर। हाल ही में इसका जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुके हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कैट का जो एंट्रेंस एग्जाम है ये होता क्या है। जिन बच्चों को आगे जाके MBA करना है, अभी छोटे मोटे कॉलेजेस में से नहीं, इंडिया के टॉप 20 स्कूल कॉलेजेस में से अगर आपको MBA करना है तो आपको ये जो कैट का जो नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है उसको आपको क्रैक करना पड़ेगा, अभी बहुत ही अच्छे मार्क्स से। तो आज इस वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बताने वाला हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाला हूँ रिलेटेड टू कैट नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम्स, और कुछ कैट के एग्जाम पैटर्न्स के बारे में बताने वाला हूँ, कुछ मार्किंग के बारे में बताने वाला हूँ, मोड के बारे में बताने वाला हूँ, लैंग्वेज कौन से लैंग्वेज में ये पेपर आता है, क्वेश्चन टाइप के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ बहुत ही डिटेल में। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए बिना किसी स्किप करने के। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, जैसे हमारे वीडियोस के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। कि हम बात करने कैट एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, तो देखिए पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो जो पहला है वो है रिलीज ऑफ नोटिफिकेशन। तो देखिए 29 जुलाई 2020 को, मतलब इसकी जो नोटिफिकेशन है वो 29 जुलाई को ही वो रिलीज हो चुकी है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में। देखिए मतलब रजिस्ट्रेशन आपकी कब स्टार्ट होगी, तो देखिए 5 अगस्त 2020 से आपका जो रजिस्ट्रेशन है कैट क्या एंट्रेंस एग्जाम के लिए रिलेटेड जो भी आपका रजिस्ट्रेशन है वो आपके 5 अगस्त से आपकी चालू हो जाएंगी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एंड ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन आपका कब एंड होगा, उसकी एंडिंग डेट कौन सी है। तो 16 सितंबर 2020 का आपका जो ये जो कैट का एंट्रेंस एग्जाम का रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 16 सितंबर 2020। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कैट 2020 एग्जाम डेट, इसकी एग्जाम कब होगी कैट की। तो देखिए 29 नवंबर 2020 को आपकी ये जो कैट की एग्जाम होगी। उसके बाद हम बात करते हैं कैट की 2020 का आपका रिजल्ट कब आएगा, तो अगले साल जनवरी 2021 में आपका जो कैट का एंट्रेंस जो एग्ज़ाम है आपका रिजल्ट आएगा जैन 2021 में, अगले साल में। ठीक है, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको पता होनी चाहिए। अभी हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो पहले मैं आपको बता दूँ एग्ज़ाम नेम, देखिए कैट मतलब कॉमन एडमिशन टेस्ट, इसका फुल फॉर्म है कैट का। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कंडक्टिंग बॉडी, ये कौन से लोग इस कैट को, कैट का जो नेशनल लेवल का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको कंडक्ट कौन करवाता है, तो IIM इसको कंडक्ट कराता है, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये एक ऐसा मैनेजमेंट है जो ये जितने भी ये कैट के जितने भी नेशनल लेवल के एग्जाम्स है ये जिसको कंडक्ट कराता है। इस साल 2020 का जो कैट का नेशनल लेवल का जो एंट्रेंस एग्जाम है ये IIM करवा रही है, जिस अगले साल कोई और करवाएगा, फिर से उसके अगले साल कोई और करवाएगा, तो हर साल कोई ना कोई अलग अलग करवाता रहता है कैट का नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन। ठीक है, अभी हम बात करते हैं एग्ज़ाम फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो देखिए जो कैट का जो नेशनल लेवल का जो एंट्रेंस एग्जाम है साल में एक ही बार होता है। ठीक है, बार बार नहीं होता, साल में एक ही बार ये आपका एग्ज़ाम होता है। अभी हम बात करते हैं एग्ज़ाम पर्पस के बारे में, ये आपका एग्ज़ाम क्यों ले रहे जा रहे, आपका ये एग्ज़ाम हो रहा है तो किस क्यों हो रहा है। तो देखिए अगर एडमिशन इनटू टॉप बिजनेस स्कूल्स के लिए, अगर आप ये एग्ज़ाम क्यों दे रहे हो, अगर क्योंकि आपको टॉप बिजनेस स्कूल्स में आपका एडमिशन हो जाए, इसके लिए आप ये जो कैट का जो नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम है आप इसके लिए आप इसको दे रहे हो, आपको टॉप बिजनेस स्कूल्स में आपका एडमिशन होने के लिए। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कैट का स्कोर कार्ड के लिए। तो देखिए जो स्कोर कार्ड है वो एक्सेप्टेड बाय 1200 प्लस बिजनेस स्कूल्स, मतलब इंडिया में ऐसे 1200 से भी ज़्यादा ऐसे बिजनेस स्कूल्स हैं जहाँ पे आपका जो कैट का स्कोर कार्ड है वो एक्सेप्ट होएगा। मतलब आप जब भी आप किसी स्कूल में आप जाओगे बिजनेस स्कूल में, तो पहले आपका स्कोर कार्ड मांगेंगे कि आप अपना पहले स्कोर कार्ड दिखाओ, आपने कैट का नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम आपने दिए क्या, अगर आपने दिए तो आप उसका स्कोर कार्ड दिखाइए। ठीक है, अभी हम बात करते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में। तो ऑफिशियल वेबसाइट इसकी ये IIMCAT.ac.in, आप इसको अच्छी तरह से आप इसके देख लीजिए और इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप इसको जूम करके अच्छी तरह से आप इसको देख सकते हो। ठीक है, अभी हम बात करते हैं फीस के बारे में। तो जैसे जितने भी जनरल लोग हैं उनकी 2000 फीस रहती है, और जितने भी रिजर्व कैटेगरी के लोग रहते हैं उनकी 1000 तक उनकी फ़ीस रहती है, कैट का नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम की फ़ीस रहती है इनकी। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कैट का एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो देखिए फर्स्ट है जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सरल भाषा में इसको कहा जाए तो ये मैथमेटिक्स क्यू है। ठीक है, और दूसरा है जो है वो है लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, इसको हम शॉर्ट में बोले तो LRDI।
ठीक है। जो उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड, जो है वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कंप्रेहेंशन, इसको सरल भाषा में बोला जाए तो इंग्लिश VARC। अभी हम बात करते हैं इसके क्वेश्चंस और टाइम्स के बारे में। देखिए जो फर्स्ट है जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में, जो है मैथमेटिक्स, वो उसमें 34 आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो आपको टाइम मिला जाएगा, आपको 60 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। फिर दूसरा है लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, इसमें आपको 32 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, आपको 60 मिनट्स का आपको टाइम प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और जो थर्ड है वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कंप्रीहेंशन, ये इसमें आपको 34 आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको 60 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। मतलब आपका जो टोटल टाइम है आपको 180 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा, आपको टोटल 100 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। अभी हम बात करते हैं मार्किंग सिस्टम के बारे में। अगर आप एक आंसर, मतलब आप अगर आप राइट करते हो आंसर, तो आपको 3 मार्क मिलेंगे। अगर आप किसी भी आंसर को, आप अगर किसी भी क्वेश्चन को आप अगर रॉन्ग करते हो, तो आपका 1 मार्क अगर डिडक्ट होएगा वो कटा जाएगा। मतलब सरल भाषा में कहूँ तो, मतलब आप जैसे ही आप राइट करते हो आंसर, तो आपको उस आंसर को राइट करने का आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप जो क्वेश्चन आप रॉन्ग करते हो, उसका आंसर आप बराबर नहीं देते हो, तो उसका आपको 1 मार्क डिडक्ट होएगा, आपका 1 मार्क कटा जाएगा, ठीक है। अभी हम बात करते हैं मोड के बारे में। तो देखिए जो ये एग्ज़ाम मोड है, ये ऑनलाइन मोड में होता है, आपको ऑफलाइन नहीं होएगा, ये ऑनलाइन मोड होएगा, ये सारा आपका लैपटॉप कंप्यूटर से आपका ये एग्ज़ाम होएगा। अभी हम बात करते हैं लैंग्वेज के बारे में। तो ये जो पूरा जो ये एग्ज़ाम है, ये पूरा इंग्लिश में होता है, हिंदी में अवेलेबल नहीं है, तो आपको ये पूरा एग्ज़ाम इंग्लिश में ही आपको देना पड़ेगा। अभी हम आगे बात करते हैं एग्ज़ाम टाइप के बारे में। तो ये इसमें MCQ भी रहता है और नॉन MCQ भी होता है। MCQ तो आपको पता ही चाहिए, 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक चूज करके आपको दूसरे क्वेश्चन में आगे बढ़ना है। पर इसमें नॉन MCQ भी है, मतलब नॉन MCQ मतलब डिस्क्रिप्टिव टाइप, मतलब कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिसको आपका जो आंसर है आपको कीबोर्ड में आपको टाइप करके आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये था पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन कैट एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, जो अभी 2020 में भी होने वाला है। तो आई होप आपको आपके जो डाउट्स होंगे कैट से रिलेटेड वो क्लियर हुए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिना बिल्कुल मत जाइए। फिर मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।